महानगर के माध्यमिक विद्यालयों में 18 और 19 सितंबर को जनपद स्तरीय विविध खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होनी है, जिसके तैयारियों को लेकर प्रधानाचार्य परिषद की एक बैठक बुधवार को मारवाड़ इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व खेलकूद प्रतियोगिता के महानगर प्रभारी आर.एन. गुप्ता ने की। इस मौके पर क्रीड़ा समिति के जिला सचिव जफर अहमद खान, रफी अहमद, किदवई इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर एम.ए. सिंह, अयोध्या दास इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रेमी यादव, सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आर.बी. सिंह, तुलसीदास इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरविंद मिश्रा सहित विभिन्न इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान जनपद के कॉलेजों में 18 और 19 सितंबर को आयोजित होने वाले जनपद स्तरीय फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं की रूपरेखा और इसकी सफल आयोजन पर रणनीति बनाई गई। और नहीं करिए तो आप अपना ऑडिट कराइए, हो चुका है इस तरह का प्रकरण, एक बार आ चुका है। नहीं, मैं जानता हूँ, नहीं पालिका आपकी टीम स्टेट तक खेल रही है, आप एमपी बालिका लीजिए, एमपी बालिका, स्वावलंबी इंटर कॉलेज को जिले का भले आप यहाँ जो बच्चे नहीं, लेकिन आपके पास लंबा हम लोग हमको इसके बाद मिलेंगे। और ये तैराकी बालक राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, ऐसा उसी में महानगर तैराकी बालक राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, प्रधानाचार्य जी है टीडीएम के तैराकी, आप अपने नाम से लिखिए, कबड्डी उनको दीजिए, वो कबड्डी सर वो ठीक है, कबड्डी के लिए रेडी हो, कबड्डी के लिए काम नहीं, वहाँ तक जाते हैं, हम जान रहे हैं उनके अंतर मन को जान रहे हैं। और ये बालिका कार्यक्रम के लिए बात आज की बैठक को जनपदीय क्रीड़ा समिति के द्वारा तय किए गए तहसील प्रभारियों में महानगर का प्रभारी मारवाड़ इंटर कॉलेज को बनाया गया है, और महानगर तहसील के जितने भी खेलकूद होने हैं उनका बंटवारा, उनका प्रभार विभिन्न विद्यालयों को दिया जाना था, उसी विषय पर आज ये बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्यतः चूँकि ज़िले के जितने भी खेलकूद हैं उनको समयांतर्गत संपन्न कराना है, क्योंकि ज़िले के बाद मंडल के खेलकूद और फिर उसके बाद प्रदेश स्तर के खेलकूद संपन्न होते हैं, तो ये तहसील स्तर के जो खेलकूद होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए इनका आयोजन सबसे पहले किया जाता है। तो आज महानगर के खेलकूदों का बंटवारा करने के संबंध में ही ये बैठक थी, और इसमें सभी की सहमत से सभी खेलों का बंटवारा कुशलतापूर्वक कर दिया गया है।